केरल के थिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ भगवान के मंदिर और उसके खजाने के बारे में तो हर कोई जानता है। कुछ साल पहले उस खजाने का विषय पूरे भारत के हर मीडिया चैनल पर छाया हुआ था, लेकिन हम में से कई लोग उस मंदिर और खजाने के कई और तथ्यों और रहस्यों के बारे में अनसुलझी बातें हैं जो नहीं जानते। आज इसी विषय पर द नॉलेज के स्टाइल में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे पद्मनाभ मंदिर, उसके खजाने और हर उस अनछुए पहलू के बारे में जो शायद आप न जानते हो। 31 जुलाई 2011 को हाईकोर्ट ने ये हुक्म दिया कि पद्मनाभ मंदिर के गर्भगृह के द्वारों को खोल दिया जाए, खजाने का आकलन और मूल्य तय किया जाए और उसके धन कोष को सरकार अपने नियंत्रण में ले ले। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर सदियों पुराने इस खजाने की बात हाईकोर्ट तक कैसे पहुंची। तो हुआ यू कि टीपी सुंदर राज, जो इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के भूतपूर्व अधिकारी थे और इस मंदिर के एक भक्त भी, उन्होंने मंदिर पर राज परिवार के अधिकार को खंडन करने की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी। यहाँ पर राज परिवार मतलब त्रावणकोर के राजवंशज महाराज उत्तरोत्तम मार्तंड वर्मा, जिन्हें भले ही महाराज कहा जाता हो और अपने पूर्वजों के कारण वहां का राजा माना जाता हो, लेकिन राजा और महाराज के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके आवास को महल तो कहा जाता है, लेकिन वो छोटे से आवास या निवास स्थान या एक टेनामेंट टाइप घर से बढ़कर ज्यादा कुछ भी नहीं है। उत्तरोत्तम मार्तंड वर्मा ने अपने जीवन के पिछले साल भी आर्थिक कठिनाइयों में बिताए हैं। महाराज उत्तरोत्तम मार्तंड वर्मा का 2013 में अवसान हुआ, तब तक तो उन्होंने अपने ही पूर्वजों ने इकट्ठे किए इस खजाने पर कभी अपना दावा नहीं किया। इस परिस्थिति में टीपी सुंदरराज की कोर्ट में अपील करने की उसकी मंशा क्या थी वे तो वो ही जाने। त्रावणकोट के महाराज, खजाना और उनके पूर्वजों के इतिहास की बातों को अभी अल्पविराम देते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर खजाना था कितना। हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया तो खजाने का पहला द्वार खोला गया। दरवाजा बहुत ही पुराना था। जब इसको खोला गया तो अंदर बहुत ही धूल जमा हुई थी और अंधेरे के साथ दूषित हवा भी थी, जिसको पहले ऑक्सीजन युक्त हवा के माध्यम से शुद्ध किया गया और वहां पर रोशनी की गई। इस खंड को लगभग 150 साल पहले खोला गया था, जिसमें कुछ जरूरी सामान को रखकर कुछ ही मिनटों में बंद कर दिया था। अब इतने सालों बाद जब उसे खोला, तब 100 टच के सोने का जो भंडार मिला वो देखकर सब दंग रह गए। इस पहले ही खंड में स्वर्ण के कई सारे आभूषण, स्वर्ण मोहरे और प्योर सोने से बने वस्त्र भंडार थे। वहां पर 7 फीट लंबा एक सोने का नेकलेस भी था। कई बड़ी बोरियों में तो सिर्फ हीरे भरे हुए थे। कई सारे सोने के बर्तन और रत्न जड़ित हीरा मोती के आभूषण वहां पे एक बड़े भंडार के रूप में मौजूद थे। सोना, रत्न और हीरे से बने बड़े बड़े मुकुट, सोने की मूर्तियां और सोने से बने तांदूर भी वहां पर मौजूद थे। निरीक्षकों ने इस सारी चीजों का वजन किया तो पाया कि इसका वजन 1 मैट्रिक टन से कम नहीं था। इतनी सारी चीजों की गणना, उसका रिकॉर्ड और दस्तावेज बनाने में महीनों तक का समय निकल जाए, ये परिस्थिति थी। और उसके मूल्य का आकलन लगाना तो उससे भी बड़ी समस्या थी। फिर भी कुछ हद तक गोल्ड की कीमत के साथ उसका आकलन करके उसका मूल्यांकन किया गया। तब खजाने की कीमत का जो आंकड़ा सामने आया वो था लगभग 1,20,000 करोड़। ये आंकड़ा सिर्फ खजाने के गोल्ड की वैल्यू थी, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, पुराने और एंटिक चीजों की वैल्यू उसकी धातु की कीमत से नहीं तय की जाती, लेकिन वो चीज कितनी पुरानी है और कितनी फेमस है उसके आधार पर उसकी कीमत तय होती है। यहाँ पर प्रथम द्वार से मिले खजाने की कीमत अगर एंटिक वेल्थ के मूल्यांकन से की जाए तो उसका आंकड़ा हमारी सोच से भी परे होगा। और ये कीमत तो सिर्फ एक खंड के खजाने की ही थी, बाकी और 6 दरवाजे अभी बाकी थे। इतनी बड़ी संपदा के बारे में जानने के बाद एक प्रश्न आपके मन में जरूर उठा होगा दोस्तों, कि इतना सारा धन पद्मनाभ मंदिर में आखिर आया कैसे। बात की खाल तक जाने के लिए हमें थोड़ा इतिहास खंगालना होगा दोस्तों। बात है कुछ सदियों पहले की, जब दक्षिण भारत में चोरा, पांड्या तथा चेरा इन 3 मुख्य साम्राज्यों की त्रिटि थी। लेकिन एक महत्वाकांक्षी राजा ठाकुर मार्तंड वर्मा ने 1719 में अपने आसपास के राज्य को जीतकर एक बड़े राज्य का गठन किया। नाम था त्रावणकोर। हमने इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में जिस मार्तंड वर्मा की बात की थी वो थे उत्तरोत्तम मार्तंड वर्मा, जो ठाकुर मार्तंड वर्मा के 13वें वंशज और उनके स्थापित किए हुए राज्य त्रावणकोर के 13वें वारिस थे।
जबकि ठाकुर मालतड़ वर्मा त्रावणकोट साम्राज्य के स्थापक और उसके पहले राजा थे। अब ठाकुर मालतड़ वर्मा भगवान पद्मनाभ या यूं कहिए कि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वो अपनी हर विजय का कारण और उनके पास जो कुछ भी है उसका असली श्रेय कुल देवता विष्णु को देते थे। उस समय इस विष्णु भक्त ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने ये जाहिर किया कि उनके पास जो कुछ भी संपत्ति है वो कुल देवता पद्मनाभ के चरणों में अर्पण करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका राज्य, राज्य की हर संपदा और अब तक जीती हुई हर एक वस्तु उन्होंने अपने कुल देवता को समर्पित कर दी और अपने आप को भगवान पद्मनाभ का दास घोषित कर दिया। यहाँ पर याद रहे दोस्तों, दास और सेवक दो शब्द में बड़ा अंतर है। सेवक वो होता है जो किसी फल या पुरस्कार की आशा में सेवा या चाकरी करता है और वो कभी भी अपने मालिक को छोड़ के जा सकता है। लेकिन दास वो होता है जो किसी भी फल या पुरस्कार की आशा किए बिना अपने मालिक के प्रति सर्वथा समर्पित रहता है। यहाँ पर महाराज वर्मा ने अपने आप को कुल देवता को समर्पित कर दिया था, इसलिए जाहिर सी बात है कि वो अपने राज्य त्रावणकोर के अब राजा नहीं बल्कि एक दास और रक्षक है। और उन्होंने ये प्रण लिया कि उनकी आने वाली हर पीढ़ी इस राज्य के रक्षक और भगवान पद्मनाभ के दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करेगी। और यही हुआ दोस्तों। ठाकुर मालतड़ वर्मा और उनके बाद आने वाले 13 के 13 राजाओं ने अपने जीवन से जो भी पाया वो इस मंदिर के गर्भगृह में इकट्ठा करते गए। उसके बाद कई और छोटे बड़े राज्य और राजाओं ने अपने राज्य को त्रावणकोर में विलीन कर दिया। लेकिन त्रावणकोर के रक्षक या यूं कहिए कि दास होने के नाते मालतड़ वर्मा ने उन राजाओं से मिले पुरस्कार और धन को भी मंदिर को समर्पित कर दिया। ऐसे ही दोस्तों, ठाकुर मालतड़ वर्मा से लेकर अब तक के त्रावणकोट के जितने राजा हुए उन्होंने अपनी वस्तु या पुरस्कार में आई वस्तु या राज्य के द्वारा किसी राज्य से जीती हुई वस्तुओं को अपनी खुद की जागीरी न मानते हुए एक एक कर मंदिर को भेंट चढ़ाते रहे और इस तरह सालों के इतिहास का धन धीरे धीरे करके पद्मनाभ मंदिर में आज इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा हुआ है जिसका आज तक किसी भी राजा ने खुद के लिए उपयोग नहीं किया। इस परम भक्तिवाद का आज के भौतिक और आधुनिक समाज के साथ कोई भी मेल नहीं खाता। लेकिन सच तो ये है कि त्रावणकोट के पहले राजा से लेकर अब तक हुए सभी राजाओं ने अपने पूर्वजों की परंपरा को निभाया और अपना समस्त जीवन त्रावणकोट के दास और रक्षक बनकर व्यतीत किया। अब सवाल आता है कि तो फिर आखिर ये धन किसका, आखिर इतनी बड़ी संपदा का मालिक कौन है। इस खजाने की चर्चा के विषय पर भारत के कई लोगों ने कहा कि खजाना सरकार को सौंप देना चाहिए। कुछ बुद्धिजीवियों ने ये भी कहा कि खजाने को जरूरतमंदों के साथ बांट देना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि खजाने को जहां है वहीं पर होना चाहिए। लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने अनुमान को प्रकट किया। लेकिन चलिए यहाँ पर हम सामाजिक नियमों और धोरणों से तथा कानूनी तौर से ये जानने की कोशिश करते हैं कि खजाने का असली हकदार कौन। कानूनी तौर पर 1888 में इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट का गठन किया गया था। इस एक्ट के मुताबिक अगर कोई खजाना अनायास ही बाय एक्सीडेंट किसी को मिल जाता है और उस खजाने के लिए कोई प्रयोजन या हेतुपूर्वक के कोई संशोधन नहीं किए गए तो उस आकस्मिक तौर पर मिले हुए खजाने में से 50% हिस्सा सरकार का हो जाता है और 50% उसे मिलता है जिससे वो खजाना मिला था। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि पद्मनाभ मंदिर में मौजूद खजाना किसी को अकस्मात से नहीं मिला है, वो खजाना हमेशा से वहाँ पर मौजूद था। जब कोर्ट ने आदेश दिया तब वो लोगों के सामने आया, इसलिए कायदे से वो खजाना केंद्र सरकार का भी नहीं होता और राज्य सरकार का भी नहीं। तो फिर आखिर उसका मालिक कौन। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दो कि राजघराने की और वर्तमान महाराज की मालिकियत इस खजाने पे बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि आगे के किसी भी राजा ने इस खजाने पर अपना दावा नहीं किया था और वो खुद इस राज्य के दास बनकर रहे थे। वर्तमान में कोर्ट ने जब आखिरी राजा राम वर्मा से उनकी मिलकत की वसीयत मांगी तो महाराज ने खजाने की या मंदिर की किसी भी चीज का उसमें जिक्र नहीं किया था। अब इस परिस्थिति में खजाने का ऐतिहासिक महत्व देखते हुए उस पर एक ही कानून लागू पड़ता है जिसे एंटिक एंड ट्रेजर एक्ट कहा जाता है। भारत की ऐतिहासिक और पुरानी चीजों के लिए ये एक्ट बनाया गया था जिसके अनुसार भारत की ऐतिहासिक धरोहर या कोई प्राचीन संपत्ति हो वो इंडियन एंटिक एंड ट्रेजर एक्ट में आता है
उसके अनुसार भारत सरकार का यह फर्ज है कि देश में उस चीज की हिफाजत हो और किसी भी हालत में उस वस्तु को भारत की सीमाओं से बाहर नहीं जाने दिया जाए। ऐसी कई एंटिक चीजें हैं जो भारत देश की अपनी जागीर है। तो फिर से अगर ये प्रश्न उठे कि आखिर खजाना किसका, तो एक तो ये है कि खजाना किसी का ना होकर स्वयं उसे आज तक संभालते आए पद्मनाभ मंदिर का ही हुआ, और दूसरा उसका ऐतिहासिक महत्व देखते हुए खजाना भारत की धरोहरों में से एक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इस विषय में आपके कोई सुझाव या प्रश्न हो तो हमें जरूर कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें प्लीज सब्सक्राइब करें। और द नॉलेज के व्यूअर को मैं बहुत ही अभिनंदन देना चाहता हूँ उनके सहकार के लिए। आगे ऐसे ही हेल्दी नॉलेज के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, टेक केयर।